मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए मार्ज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। मुंब्रा के रेती बंदर पर नई रेलवे लाइन का काम शुरू होने की वजह से रेती बंदर मुंब्रा बाईपास की दोनों तरफ का रास्ता 21 मार्च रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। मुंब्रा की तरफ आने वाला और ठाणे की तरफ जाने वाला दोनों तरफ का ये रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा, मगर इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस के लिए सर्विस रोड खुला रहेगा। मुंब्रा में हॉकर्स के मुद्दे को लेकर अब मनसे भी सामने आई है। मनसे के इरफान सैयद ने हॉकर्स का पक्ष रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि मुंब्रा के सभी हॉकर्स को लीगल हॉकर्स जोन मिलना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों पर भी हॉकर्स को लेकर निशाना साधा। 35 किलोमीटर कैसे पटरी पर उल्टा चलने लगी ट्रेन। स्टेशन पर खड़े यात्री और ट्रेन में बैठे यात्री सभी परेशान हो गए। दिल्ली से उत्तराखंड के लिए टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक उल्टा दौड़ने लगी। किसी तरह से उल्टा भागती ट्रेन पर उत्तराखंड के खटीमा स्टेशन पर ब्रेक लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक टनकपुर रेलवे स्टेशन के पहले एक गाय ट्रेन की चपेट में आ गई थी, फिर ट्रेन के लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जैसे ही वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन उल्टा दौड़ने लगी। हालांकि लोको पायलट और गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। एक बार फिर कोरोना का खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे, मुंबई में विकराल रूप कोरोना लेता दिख रहा है। महज 13 दिनों में 127% मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को सबसे ज़्यादा 4,724 मामले पुणे में सामने आए हैं। आगरा के फतेहाबाद में मंगलवार को एक पुराने सेफ्टी टैंक में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 एक ही परिवार के युवक। बताया जा रहा है कि सेफ्टी टैंक की ढक्कन बंद करने के दौरान एक युवक इसमें गिर जाता है। जहरीली गैस से सेफ्टी टैंक में गिरे योगेश का दम घुटने लगता है। चीख पुकार सुनकर पड़ोस के रहने वाले 4 नौजवान युवक बचाने के लिए उतरते हैं, मगर इनकी भी मौत हो जाती है। योगी सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में SI दीपक सिंह ने खाकी को दागदार कर दिया है। मास्क न लगाने पर पोखर भिटवा गांव की रहने वाली एक लड़की को दीपक सिंह ने पकड़ा और फिर उसका मोबाइल नंबर जबरन ले लिया। फिर लड़की से फोन पर गंदी बातें करने लगा, मगर जब लड़की ने एतराज जताया तो SI दीपक सिंह ने लड़की के परिजनों पर एक के बाद एक 8 मुकदमे दर्ज कर दिए। पीड़िता की शिकायत के बाद राज्य महिला आयोग ने अब कार्रवाई शुरू की है। जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। एकदम बर्बाद हो चुका, हम कहाँ पे जाएं, हम एकदम परेशान हो गए। खाली एक जान भी देना, जान भी देते। कैसे बर्बाद हो गया? एकदम बर्बाद, दीपक सर एकदम बर्बाद करते हैं। कौन है दीपक? चौकी इंचार्ज है। कहाँ थे? सोनू पारी। कैसे ये घटना हुई? घटना वह हुआ कि हमारे बेटे को, हमारे बेटे का जाति की दादी का दवा आने के लिए मास्क नहीं लगाई, उसके रोक लिए और उनके नंबर ले लिए, उल्टा सीधा उनको बोलने लगे और उनके उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। उसी के लिए हमारे बेटे को बहुत परेशान कर दिया, हमारा घर एकदम बर्बाद कर दिए। हम लोग को परिवार परिवार को जेल कटाए और मारे, सब लोग को मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे के भी मारे हैं। जब पूछ लीजिए, यहाँ पर हैं हमारे बच्चे, बहुत मारे हमारे बच्चे के। राजस्थान के जयपुर में एक किताब की विवादित कंटेंट के खिलाफ विशेष समुदाय के लोगों ने पब्लिशर के दफ्तर पर हमला बोल दिया। दुकान में तोड़फोड़ की गई। किताब में इस्लामिक आतंकवाद पर छापे गए एक चैप्टर से खफा होकर ये लोग हमला किए थे। बिहार के समस्तीपुर में छुट्टी पर आए दरोगा की गला काट कर हत्या कर दी गई। दरोगा का नाम रवि रंजन सिंह है, जो मुफलिस थाने में तैनात थे और 6 दिन की छुट्टी पर आए थे। परिजनों के अनुसार एक कॉल आया और रवि रंजन बाहर गए, मगर वापस नहीं आए। आखिरकार उनकी हत्या की खबर सामने आई।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में नगर कोतवाल आलोक राव ने एक वकील के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनका मोबाइल छीन लिया, जिससे नाराज गोंडा बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। इस घटना से वकीलों में काफी गुस्सा है। गोंडा के दरबारे मीनाइया के सज्जादा नशीन हजरत शाह जमाल मीना ने वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि वसीम रिजवी ने करोड़ों मुस्लिमों के मजहबी जज्बातों से खिलवाड़ किया है और वसीम रिजवी को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।